तो बाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, उसको पीछे बंद करो, बंद करो, बंद करो, उसको पीछे बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, स्टेट वर्किंग प्रेयर सीआईटी जू आज पिछले महीने 17 तारीख से आशा वर्कर काम छोड़ स्ट्राइक पे है और 17 से लेकर 2-3 दिन पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ब्लॉक हेडक्वार्टर में हमारे ज़ोरदार प्रोटेस्ट होते रहे। और पिछले दिनों में 1.5 हफ्ता पहले डिपकाम साहब को मिले थे, खाली डिस्ट्रिक्ट जम्मू मिला था, बाकी हमने सारे डीसी, सारे डिप्टी कमिश्नर कवर किए हैं। कल इनकी सरकार ने मीटिंग बुलाई थी, तो जो कल वो मीटिंग बुलाई थी, अभी हम इनकी कमेटी की मीटिंग करने वाले हैं। क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई, अगली रूपरेखा यहाँ तय करेंगे, अगली तय करेंगे। अगर अगर बातचीत इनके हित में हुई तो हम सरकार के साथ कंधा लगाएंगे, अगर हित में नहीं हुई तो अगली रूपरेखा यही होगी। जैसे सड़कों पर है ऐसे ही आप देख रहे हैं कि पहली बारी 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हमने हमने हम भाजपा डिसिप्लिन तरीके से पार्क के हम आगे, ये आशा है 10-10 रुपये दे के पार्क में आगे हम डिसिप्लिन तरीके से इनसे बात करेंगे, बाद में हम आपके पास आ जाएंगे। शुक्रिया। तो हमारी यही डिमांडें हैं कि जब जी इन्होंने आशा वर्कर लगाई थी, जच्चा और बच्चा के लिए लगाई थी, तो तब ये हमें इतने मतलब कि पैसा कुछ भी नहीं देते थे, 150 रुपये देते थे। अभी हमने संघर्ष कर कर करके हमें 2000 तक पहुँचे हैं। तो हमारी यही डिमांड है एलजी साहब से कि हमें कम से कम मिनिमम वेजी जो है 26,000 दिया जाए। जब तक 26,000 नहीं दिया जाता तो हमें स्टेट का दर्जा जो है 10,000 दिया जाए, यही निवेदन है। वाला बसोली की हूँ मैं। सर हम 1.5 महीने से हड़ताल पे बैठे हैं, काम छोड़ो हड़ताल, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। कल हमें बुलाया गया था मिशन ट्रैक्टर के दफ्तर, वो बोलते हैं काम करो, हम 1 महीने के बाद आपका कुछ बढ़ा देंगे। सर वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए। हमारी यही सुनवाई है कि हमारे जो विधायक यहाँ से चुन के गए हैं, अगर वो हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम उन तब तक हम अपनी हड़ताल नहीं बंद करेंगे। जितनी भी जम्मू कश्मीर की आशा वर्कर है, जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती तब तक हमारी कोई भी आशा वर्कर काम नहीं करेगी। हमें कमीशन बेस पे काम नहीं करना है, हमें सैलरी बेस पे काम करना है। सरकार जितनी जल्दी हमारी आवाज़ सुनेगी हम हड़ताल बंद कर देंगे, अगर नहीं सुनती तो हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे। सरकार, जनता चुनती है सरकार को अपने मुद्दे सुनाने के लिए। सरकार चुपचाप करके कुर्सियां पकड़ के बैठी है। आज वो कुर्सी का दम दिखाते हैं, बाद में हम बोर्ड का दम दिखाएंगे। आज अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम सरकार को रोड पे लाके रहेंगे। मैं आशा वर्कर ब्लॉक चिनैनी से हूँ। तो हम आज इधर एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेके, क्योंकि हमें 2 महीने हो गए लगातार हड़ताल पे, जब तक हमारी किसी ने भी सुध नहीं ली है अभी तक। जब हमें जैसे जो मानदेय देते थे 14 में हमें रखा था जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके बाद 37 काम जो हमारे मथे में लगाए हैं, जैसे ऑनलाइन काम है, बीच में और काम है, जैसे मतलब आयुष्मान कार्ड बनाए हमने, जहाँ हमने कैंसर का सर्वे किया, हमने टीवी का किया, टीवी मुक्त भारत को करने में लगे हुए हैं, लेकिन उस चीज़ का हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। बाकी भी जो हम काम कर रहे हैं जैसे डिलीवरी के, तो साल साल से लोगों के भी पैसे पेंडिंग हैं, तो हमारे भी पेंडिंग है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं तो लोग तो पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमें पूछते हैं कि हमारा पैसा कहाँ गया, तो सरकार दे नहीं रही है। जिसकी वजह से हम लोग ये नहीं चाहते कि हमें टुकड़ों टुकड़ों में मिले, हम लोग चाहते हैं कि हमें एक सैलरी दी जाए, जैसे बाकी मुलाजिम को दी जाती है ऐसे हमें भी सैलरी दी जाए, हमें रेगुलर किया जाए। हम काम करने को हमारे तैयार है, हमने वर्दियाँ डाली हैं तो हम काम कर रहे हैं, तो हमें सैलरी दी जाए। सरकार को जागना होगा, जब तक सरकार हमें सैलरी नहीं देगी या हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम लोग काम पे आने वाले नहीं हैं। शुक्रिया।